विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में नैनीताल जिले की कालाढूंगी पुलिस ने अवैध स्मैक के एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। कालाढूंगी एसओ राजवीर नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने युवक के कब्जे से 25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कालाढूंगी में नगर पंचायत गेट और कोटाबाग बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है।